सेहतमंद लोग और सेहतमंद माशरा ही तरक्की की जमानत है। आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाब हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को अपने शो में मदऊ करते हैं, अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, आज का ये शो हमारा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज के हमारे इस घंटे में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के ऊपर। हेपेटाइटिस क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह पूरी दुनिया को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में आगाही देना है। अगर हम 2021 की थीम के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस कांट वेट इसकी थीम है। और ये क्या होता है, यकीनन ये वायरल हेपेटाइटिस के बारे में हम बात करेंगे। ये जिगर की सोजिश है जो कि जिगर के कैंसर समेत मुतअद्दिद सेहत के मसले इससे सबब इसके सामने आते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर खुर्रम बगाई को, MBBS PLABUK FCPC गेस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर खुर्रम, आज हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे और लोगों को इसकी आगाही देने की कोशिश करेंगे कि हम इसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ये हेपेटाइटिस क्या होता है और इसका इतना तेज़ी से इसका हमारे मुल्क में बढ़ने की क्या वजूहत हैं, इस पर मैं बात करना चाहूँगी। जी शुक्रिया अंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका शुक्रिया कि इस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जो हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस का मतलब तो लिवर की सोजिश या लिवर की इन्फ्लेमेशन है और ये मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो इसका सबब बनते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई शामिल हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की ना राइजिंग ट्रेंड इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बढ़ता चला जा रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान में प्रीवेलेंस कितना है, कितने लोगों को हेपेटाइटिस है, हमें सबसे पहले तो ये जानना है। तो इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई हैं और तखमीने लगाए गए हैं तो कुछ तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5% लोगों को हेपेटाइटिस सी है। बिल्कुल। और अगर हमारी मुल्क की आबादी अगर 20 करोड़ है और इसका 5% लगा लें तो ये तकरीबन 1 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस सी है, उनको पता ही नहीं कि वो हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे। और ये एक बड़ा मसला है कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस सी है तो उनसे दूसरों को लगने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, दूसरी जानब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की, तो हमारे मुल्क में 2.5% लोगों को हेपेटाइटिस बी है तो ये एक तकरीबन 50 लाख लोग बन जाते हैं। उनको भी, उनमें से भी अक्सरियत को नहीं पता, यानी कि मिला जुला के 7.5% लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस है हमारे मुल्क में, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों का हेपेटाइटिस है और उनको पता ही नहीं इस बात पे कि उनको हेपेटाइटिस है, मौजूद है, उनके जिस्म में पल रहा है, ग्रो कर रहा है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके उनके लिवर को मुतासर करते जा रहा है। न सिर्फ ये कि उनके लिवर को मुतासर कर रहे हैं बल्कि उनसे दूसरों को फैलने के इम्कान बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब जो बात है ना कि ये क्यों पाकिस्तान में बढ़ता चले जा रहा है, तो इसके लिए पहले हमें इसके कॉजेस पे जाना होगा कि वजूहत क्या हैं, कि हेपेटाइटिस क्यों लग जाता है, कैसे हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाता है, कि हमारी जिंदगी की कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से ये बन हो जाता है, तो इस पे बात करें, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ना ब्रॉडली मैं चाहूंगा कि हम हेपेटाइटिस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। एक कैटेगरी वो है जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर 2 वायरस आते हैं, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। और जो क्रॉनिक कैटेगरी है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अच्छा, अब
पहले मैं एक्यूट की बात कर लूँ, जो हेपेटाइटिस ए और ई है, इनकी भी अगर मैं प्रीवेलेंस की बात करूँ ना, तो हमारे मुल्क में एक कराची के एक बड़े हॉस्पिटल में कुछ रिसर्च हुई थी, और उस रिसर्च के मुताबिक हमारे के बच्चे जो कि 14 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं, उसमें से 98% बच्चों को हेपेटाइटिस ए ज़िंदगी में लग चुका होता है 14 साल की उम्र तक, और तकरीबन 25-30% बच्चों को हेपेटाइटिस ई लग चुका होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये बड़ी उम्र में जाके लगे, क्योंकि बचपन में एक दफ़ा हो चुका होता है। अच्छा, ये हो क्यों जाता है जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए और ई, ये असल में ये सैनिटरी वाटर में शामिल होता है, ये वाटर बॉर्न डिजीजेज है, जो साफ पानी नहीं है, जो कि गंदे पानी में शामिल होते हैं ज़रा सी। तो असल में जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये इंसानी फजले में शामिल होते हैं, उस फजले के ज़रिए से ये सैनिटरी वाटर में चले जाते हैं। अब ये सैनिटरी वाटर जो है, वो किसी तरीके से हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाए, किसी भी तरीके से, खासतौर पर जो देही इलाके हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर साफ़ नहीं है, सैनिटेशन अच्छी नहीं है, पानी कॉन्टेमिनेट हो जाता है, पानी जो पीने का पानी है वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है उस सैनिटरी वाटर के साथ। तो इवन देही इलाकों में जो आउटब्रेक्स तक रिपोर्ट हुए कि बाकायदा वबा की शक्ल में इख्तियार कर गया हेपेटाइटिस। अच्छा, अगर हम शहरों की बात करें ना, अब आप देखें बारिश का सीज़न वापस आ गया, ठीक है, बारिश होती है, सड़कों में पानी बहता है, हमारे गटर उबल जाते हैं, हमारे गटर उबलते हैं, अब वो पानी हमारी गाड़ी के टायरों के साथ लग के हमारे घर के अंदर तक आ जाता है, बिल्कुल हमारे जूतों के साथ लग के, हमारे कपड़ों के साथ लग के, हमारे अंदर तक पहुंच जाता है। अब एक दफ़ा इस पानी के चंद कचरे भी अगर हमारे मेदे के अंदर चले गए, तो ये हमें हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा टाइम चेक है इसके बाद, इस पे ये आपने वजह तो बता दी कि, लेकिन जब ये होने लगता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं कि हम इसको फौरन से कंट्रोल कर दें, वैक्सीन क्या है, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। सामीन, आप हमारे साथ ही रहेगा, 11 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा, और अगर आप भी हमें कोई कॉल करना चाहें तो आप हमें 02111000105 पर कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:50 AM This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. Beta, बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द दे देना। अब्बा इस साल हिस्सा नहीं, बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? बुरा बकरा एमसीबी बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। एमसीबी बर्क रफ्तार फौरन से फौरी। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम बकाई, ही इज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से, और आज हम बात करें कि हेपेटाइटिस के बारे में और पाकिस्तान में इसकी बढ़ती हुई वजूहात पे बात करेंगे और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। इस पर भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, थोड़े से फिगर्स को भी ऐड करती जाऊँगी। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर हम बात करें तो इस वक्त तकरीबन 325 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस और सी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यकीनन तकरीबन 9-10 लाख अमवात हर साल हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एक्यूट हेपेटाइटिस के बारे में, जिसमें आपने बताया ए और ई आते हैं, ये वजूहात तो आपने हमें बताई, तो अगर किसी को ये हो जाता है तो क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि यार इसको हेपेटाइटिस है और उसको टेस्ट कराने की ज़रूरत है? शुक्रिया। अच्छा देखिए अंबर, एक दफ़ा ये वायरस किसी तरीके से हमारे अंदर पहुंच गया तो आमतौर पे तकरीबन 2 हफ्ते तक तो कोई सिम्टम्स नहीं आते, और 2 हफ्ते तक ये वायरस जो है जिसम में अपनी तादाद बढ़ाता रहता है। अच्छा, 2 हफ्ते के बाद, 2-3 हफ्ते के बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। अच्छा, उन सिम्टम्स में लोगों को बुखार होता है, थकन महसूस होती है, कुछ पेट में दर्द होता है, मत्ती की कैफियत या भूखना लगना या उल्टी होती है, और उसके बाद लोगों को आँखें पीली और जल्द पीली होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक्यूट हेपेटाइटिस, जब हेपेटाइटिस ए और ई की बात की थी, इनकी खास बात ये होती है कि तकरीबन 3-5 हफ्ते तक जिस्म में रहते हैं और उसके बाद
95% केसेस में जिसे इनको बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब जैसे आजकल कोविड का वायरस है, अब लोगों को इसके बारे में काफी मालूम हो गई है कि कुछ अर्से तक जिस्म में रहते हैं उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्यूट हेपेटाइटिस में हमारे जिस्म के अंदर हमारा जिस्म खुद एंटीबॉडीज बनाता है और तकरीबन 3 से 5 या 3 से 6 हफ्ते के दौरान में एंटीबॉडीज हैं उस वायरस को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं और 4 से 6 हफ्ते में मरीज बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। 95% मरीजों के साथ ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत वक्त के साथ साथ बिगड़ती चली जाती है और ये वायरस लिवर को फेल कर सकते हैं। और वो लोग जिनमें लिवर फेल हो जाए उनमें ज़िंदगी जाने के खतरात तकरीबन 80% तक होते हैं। तो उस वक्त उनका वाहिद हल ये होता है कि एक इमरजेंसी बेसिस पे लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए, और जिसकी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में भी किसी हद तक मौजूद हैं लेकिन इतनी तादाद में नहीं है कि हर किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो सके। तो वो जो हम बात करते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो यहाँ पे एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए जो चीज़ आप कर सकते हैं वो एहतियात है। एहतियात में क्या चीज़ शामिल है? प्रॉपर सैनिटेशन, साफ पानी की सप्लाई, सेफ वाटर की सप्लाई हमें होनी चाहिए। WHO रिकमेंड करता है कि पानी जो है उबाल के पिए। अच्छा, उसमें जो उबालने के जो तरीके हैं ना, वो तरीका ये है कि एक दफ़ा पानी को आपने उबाल एक पतीली में चूल्हे पर रखा, अब पानी में उबाल आ गया तो आप चूल्हे को फौरन ना बंद करें, कम से कम 10 मिनट तक उसको उबलने दें। ये WHO की रिकमेंडेशन है। और 10 मिनट के बाद उस चूल्हा बंद करके उस बर्तन को ढाँक के फिर ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करें। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, हमारे घर में वाटर बॉटल्स हैं और डिस्पेंसर्स लगा हुआ है, डॉक्टर साहब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर बॉयल किए? तो अभी तक WHO ने ऐसी कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी कई दफ़ा कुछ बॉटल्स के सैंपल्स लेकर उनके कल्चर्स किए गए, उसमें जरासीम ग्रो हुए हैं। तो WHO ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की कि वो सेफ है पानी, कि वो सेफ नहीं है। जो रिकमेंडेशंस हैं वो अभी तक पानी को बॉयल करने की है। अब हमारे आबादी का बहुत बड़ा तबका ही पानी बहुत खुशी खुशी पीता, हम तो कभी सोचते भी नहीं, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ शायद। असल में बहुत जगह फिजिबिलिटीज़ की भी बात है ना, मिसाल के तौर पे जैसे ऑफिसेज में लोगों ने रखे हुए, तो एक फिजिबिलिटी अक्सर बॉयल करने की होती नहीं है। तो लेकिन जहाँ तक हमारे मुमकिन है, खासतौर पे मैं बात करूँ जो हमारे देही इलाके हैं जहाँ पे हमने बात की थी कि पानी कॉन्टेमिनेट कर जाता है ड्रिंकिंग वाटर, तो वहाँ पे इस पानी को लाजमी घरों में उबाल के पीना चाहिए, खुसूसन बच्चों के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ कि माएँ जो बच्चों को पानी दें वो उबला हुआ पानी हो, वो स्कूल जा रहे हैं तो उनकी बॉटल्स में वही बॉयल वाटर की कोशिश करें कि वो पानी दें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास फेसबुक पे सवाल भी आ रहे हैं, वो भी हम ऐड करेंगे। और सामीन, आप भी हमसे कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमेशा की तरह आप हमें कॉल कर सकते हैं 02111100105 पर, और इसके साथ साथ अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहें तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और 8881 के ऊपर मैसेज भेज दीजिए। अदरवाइज़ फेसबुक लाइव HOT FM 105 का, वहाँ आप हमें लाइव देख भी सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। पहले एक कॉल है डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी कौन बात कर रहे हैं? शहजाद है। जी शहजाद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बताइए कि बारिश के दौरान जिन अस्पताल के सामने गटर उबलते रहते हैं और इनका पानी बिल्कुल पीने के पानी में मिक्स होता है तमाम आबादी में। जी तो आपने कहा कि जी वाला पानी जो गटर का पानी है जो पीने के पानी में इस्तेमाल होता है वो दो खतरे भी इंसान के चले जाए, हेपेटाइटिस का खतरा बहुत ज्यादा है। क्या किया जाए कि सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए तो फिर ये बीमारियां भी कम हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इससे बात करते हैं डॉक्टर साहब, इस पर बिल्कुल यकीन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अच्छा शहजाद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह जो है वो निशानदेही की। देखिए शहजाद साहब, ये बिल्कुल ये हकीकत है। अभी असल में यही बात कह रहा था कि जब भी बारिश होती है गटर उबलते हैं और पानी जो है जो फ्लोइंग वाटर है वो शामिल हो जाता है, सैनिटरी वाटर जो है उसके साथ शामिल हो जाता है, हमारे साथ लग के आ जाता है हमारे घरों में। अच्छा देखिए, ये तो है ऐसे काम है कि सैनिटेशन को एक इम्प्रूव करना पड़ेगा, पूरे लेवल पे, शहर के लेवल पे जो है गटर लाइनों को बेहतरीन करना पड़ेगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको एक प्रॉपर निज़ाम बनाना पड़ेगा। तो ये 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 तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इसके अलावा। अच्छा हम लोग अपने घरों पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग वो पानी जो हम पीते हैं उसको बॉयल करें, हम अपने हाथ साफ करते रहें, हमेशा खाने से पहले साबुन के साथ हाथ धोएं, जब भी घर से हम बाहर से मंदिर आ रहे हैं हम अपने हाथों को हमेशा साबुन के साथ धोएं,
अच्छा इसी तरीके से जब हम लोग रेस्ट रूम इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमेशा, क्योंकि हमारे फजले में शामिल हो सकते हैं और एक से दूसरे पे लगने का खतरा होता है, तो हमेशा वॉशरूम में यूज़ करने के बाद कोई मयारी साबुन के साथ हमेशा हाथ धो लेने चाहिए। और खसूस मैं तवज्जो दूंगा कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर हमेशा बहुत सेफ होना चाहिए, जो जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। वालेकुम सलाम, शेर अबूबकर से बात कर रहा हूँ, रोजी खान का। जो हमारे इलाके में मंचर झील है उसका पानी बिल्कुल कड़वा है, जो को बंदा पीता है उसको बीमारी होती है। इसके लिए हमारे के लिए कुछ मेहरबानी करे, किसी को बोलो पानी वो हमारे को साफ चाहिए। ठीक है, बहुत मैं परेशान हूँ। शेर अबूबकर, शहर क्या है, कौन सा शहर है आपका? शहर अबूबकर, सेवन शरीफ है, उसके साथ है मंचर झील है, उसका पानी बिल्कुल कड़वा है, जो बंदा पानी पीता है वो मरता है। ठीक है, आबादी नहीं होती है। ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। बिल्कुल यकीन डॉक्टर साहब, ये मसला खैर बहुत सारे ऐसे इलाकों का है, सेवन शरीफ के पास ही जगह है यकीन, जैसे आपने कहा कि पानी को हम बॉयल करके इस्तेमाल करें घरों में, और सेवरेज का पानी, जो पानी इसके अंदर मिल जाता है, ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी काम करने की उस पर शदीद ज़रूरत है, और पर्सनल लेवल पे जैसे आपने कहा कि हम घरों में इसको बॉयल पानी करके पिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ हम दूसरी उस पर बात करते हैं, जैसे आपने एक्यूट वायरल हमने उस पर बात किया, अब हम क्रोनिक अगर उस पर बात करें तो कि क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस में आमतौर पर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आते हैं। हेपेटाइटिस डी का मैंने बीच में नाम नहीं लिया था, क्योंकि हेपेटाइटिस डी जो होते हैं ना, एक इनकम्प्लीट वायरस होता है, वो अकेला हमारे जिस्म को अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, उसको हमारे जिस्म को अटैक करने के लिए हेपेटाइटिस बी का साथ चाहिए, और हेपेटाइटिस बी के साथ मिलके वो अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। तो मेन जिन वायरस की मैं यहाँ पे बात करूँगा, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं, जो कि हमारे मुल्क में, जैसे मैंने बात की थी कि सॉरी आपकी बात काट रही, अभी जो हमने बात की एक्यूट के बारे में, इसकी वैक्सीन आ चुकी है इस वक्त? अच्छा देखिए, एक्यूट में हम दो वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ठीक है, बल्कि अब इसको EPI प्रोग्राम में भी शामिल किया जा रहा है और बच्चों को भी लगाई जा रही है। ठीक, अभी तक पाकिस्तान में इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है, लेकिन बहरहाल मौजूद है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन, और एक अंदाज़ा ये है कि ये वैक्सीनेशन भी 90% से ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि वो लोग जिनको हेपेटाइटिस ए हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो उनमें हमने देखा कि दोबारा हेपेटाइटिस सारी ज़िंदगी नहीं होता हेपेटाइटिस ए। तो इस बारे में उम्मीदें यही हैं कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन भी 90% से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। जी, एक्यूट पे बात कर रहे थे, क्रॉनिक पे। तो क्रॉनिक के जो वायरस की हमने बात की थी, उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जिस पे हमने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, उनको पता ही नहीं वो इसके साथ जी रहे हैं। अच्छा, इन दोनों वायरसेस का अंबर मसला ये है कि ये साइलेंट होते हैं, ठीक, ये आपको कोई सिम्टम नहीं देते, और जिस वक्त जिसम को ये लगते हैं कि बहुत ऐसा ऐसा करके लिवर को डैमेज करते हैं, लिवर के ऊपर माइक्रो डैमेजेस आते हैं, और जो माइक्रो डेवल के लिवर के ऊपर डैमेजेस होते हैं, ये जिगर पे फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर्स जिगर के वो हिस्से होते हैं जो एक्चुअली नाकारा हो जाते हैं, काम नहीं करते। अच्छा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तकरीबन 20 साल लगाते हैं, 15 से 20 साल लिवर को मुकम्मल तौर पर डैमेज करने के लिए। लोगों को तकालीफ उस वक्त आती है जब जिगर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाता है, और उस वक्त फिर वो रिकवरी के फेज में नहीं आ सकता वापस। अच्छा, अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं, जिस वक्त मुकम्मल तौर पे लिवर डैमेज हो जाता है, तो उससे सिम्टम्स होते हैं कि लोगों को पीलिया होने शुरू हो जाते हैं, जॉन्डिस होने शुरू हो जाता है। अच्छा, लोग इसको क्या काला यरकान के नाम से भी जैसे कहते हैं, इट्स दिस सेम थिंग? जी, एक लेमन टर्म है जो कि हमारे मुल्क में यूज की जाती है, और ये जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लिवर को डैमेज कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देता है, जिस वक्त जब लिवर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाता है ना, उस लिवर को लिवर सिरोसिस कहते हैं। ये जो सिरोसिस है, ये हमारे मुल्क में काला यरकान के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को काला यरकान होते हैं, उनको या तो हेपेटाइटिस बी होता है या हेपेटाइटिस सी होता है, और उसने लिवर को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया होता है। अब लिवर डैमेज हो गया मुकम्मल तौर पर, सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में एक तो जॉन्डिस हो जाता है लोगों को, जॉन्डिस के साथ खारिश बहुत होती है, जिसमें जगह जगह पर लोग खुजली महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, उसकी पेचीदगियों में लोगों को खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, अक्सर लोगों के पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है, पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है। ज़्यादा अगर इसकी शिद्दत हो जाए तो ये गुर्दों को भी ख़राब कर देता है, फेफड़ों को भी ख़राब कर देता है, और न सिर्फ ये कि बल्कि ये आज़ा को ख़राब कर देता है, बल्कि इसके अंदर कैंसर बनने के इम्कान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेन सिम्टम्स लोगों के ज़्यादातर यही होते हैं कि वज़न कम होता है, थकन होती है, पेट में पानी भर जाता है, और खून की उल्टियाँ आती हैं, और जब कैंसर हो जाए फिर तो और उसके और ज़्यादा तेज़ी से खराबियाँ पैदा होती हैं। तो डॉक्टर साहब,
जैसे आपने कहा कि इसको बहुत स्लोली ग्रेजुअली ये जो हमारे लिवर को हमारे जिगर को नुकसान दे रहा होता है, तो क्या हमें इसकी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या हमें खुद पता होना चाहिए जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमें कब इसकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है कि हम हर साल इसका कोई टेस्ट कराएं? जैसे आपने कहा कि ये खामोशी से बढ़ता है, हमें पता नहीं चलता, और जब सब कुछ जिगर ख़राब हो चुका होता है तब इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। तो अच्छा, इसकी क्या मेन वजूहत क्या होती है? ठीक है, अच्छा पहले हम वजूहत के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होते हैं ना, हेपेटाइटिस बी और सी, ये ब्लड बॉर्न होते हैं, ये हमारे खून में शामिल होते हैं। ठीक है, और ये किसी जिसको भी ये वायरस है उसके खून से किसी दूसरे खून की कोई कॉन्टैक्ट आ जाए तो ये फैल सकते हैं। अब वो क्या तरीके होते हैं, जैसे इंजेक्शन लगवाना, अगर इंजेक्शन के सिरिंजेस को रीयूज कर रहे हैं, किया जा रहा है, स्टरलाइज किए हुए, वैसे तो अब जितनी भी सिरिंजेस आती हैं वो डिस्पोजेबल होती हैं, उनको दोबारा नहीं यूज करना चाहिए, तो अगर वो सिरिंजेस रीयूज हो रही हैं तो एक से दूसरे का खून लग सकता है और ये हेपेटाइटिस फैल सकता है। इसी तरीके से अगर कभी खून चढ़ाने की नौबत आए, किसी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो और आप ऐसी जगह से खून ब्लड ले लें जो कि कोई मयारी लेबॉरटरी ना हो और उस खून में टेस्ट ना किए गए हों, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रिकमेंडेशन हैं वो ये कि हर खून जो कि ट्रांसफ्यूज होते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होना चाहिए। तो अगर हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट नहीं हो तो फिर ये खतरात बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो किसी वजह से ऑपरेशन करवा रहे हैं, सर्जरीज करवा रहे हैं, उसमें आलात को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टरलाइजेशन सही नहीं है, या डेंटल वर्क्स जो दांतों के काम हो रहे हैं और उसमें जो औजार यूज़ हो रहे हैं, अब वो क्योंकि वही औजार एक के बाद दूसरे मरीज पे, दूसरे से तीसरे मरीज पे, तो उनकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं है तो ये वायरस फैल सकता है। अच्छा, औरतों में जो कान नाक छिदवाती हैं जो उसमें जो सुइयाँ यूज़ होती हैं, तो वो जो सुइयाँ अगर वो रीयूज हो रही हैं। अच्छा, मर्दों में वो मर्द जो कि बार्बर शॉप से जाते हैं, खत बनवाते हैं या शेव बनवाते हैं, और अगर बार्बर जो है वो उनको रीयूज कर रहा है, वही ब्लेड्स को रीयूज कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा हस्बैंड को अगर है तो वाइफ को हो सकता है, अगर वाइफ को हस्बैंड को हो सकता है, इस बात के चांसेस तकरीबन 5% हो सकते हैं। इसी तरीके से वो खवातीन जिनको है हेपेटाइटिस और उनकी डिलीवरी होती है, बेबी पैदा होता है उनका, भले से नॉर्मल डिलीवरी हो भले से सिजेरियन, तो दोनों सूरतों में ये खतरा भी 4-6% होते हैं कि माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो। तो ये वजूहत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा वो लोग जो नशा कर रहे होते हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं इंजेक्शन के जरिए से, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात करती हूँ, टाइम चेक आ चुका है, टाइम चेक पे रुकना बहुत ज़रूरी है। सामीन, आप हमारे साथ ही रहेगा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस टाइम चेक के बाद। 10:30 AM. This time check is brought to you by बेटा, बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द भेज देना। अब्बा, इस साल हिस्सा नहीं, बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? बोला बकरा। एनसीबी बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करेंगे फौरन। एनसीबी बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। एनसीबी, बैंक फॉर लाइफ। Dr. Ziauddin Hospital is celebrating World Hepatitis Day on July 28, 2021. Free screening and selected tests will be performed free of cost. For registration and details, please contact 0321-366-0249. अंबर, आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज का हमारा ये शो डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है, और आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, इसके बढ़ते हुए मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर खुर्रम बकाई हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें बताया कि एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होता है, किस तरह साफ़ पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बॉयल करके पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, हाथों को अच्छी तरह हमें
हाथ धोना चाहिए। वैसे भी सुन्नत रसूल है कि हर काम करने से पहले आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोइए। और इस वक्त हमने क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर भी बात की, बी और सी के बारे में। जी डॉक्टर साहब, हम इस पर थोड़ा सा मजीद, हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी, अगर हम उसको कम्प्लीट कर लें। जैसे आपने कहा कि बार्बर शॉप पर भी हम मर्द हजरा जाते हैं और खैर उसकी डिफरेंट चीज़ों से भी हो जाता है, तो इसके आगे आप कुछ बता रहे थे। अच्छा, हम इसकी वजूहत के ऊपर बात कर रहे थे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैल जाते हैं, और हमने बात की थी कि ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। अगर किसी मुतासर शख्स का खून किसी दूसरे खून को किसी तरीके से छू जाए तो ये हेपेटाइटिस फैल सकते हैं। तो उसमें हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ वजूहात की। अब आगे जो वजूहात, जो एक दो चार वजूहात रह गए थे, वो ये वजूहात थे कि वो लोग जो नशा करने के आदी होते हैं, अक्सर इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्रग्स एब्यूज कर रहे होते हैं, और उनमें उनमें बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस होता है, और वो आपस में नीडल्स शेयर कर रहे होते हैं, एक से दूसरे के नीडल्स आपस में एक दूसरे को लगा रहे होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह है हेपेटाइटिस फैलने की। अच्छा, इसके अलावा जिनसी बेरावदी के शिकार अफराद, इनके अंदर ये इस बात के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो हेपेटाइटिस जो है वो शेयर कर लें एक से दूसरे को। अच्छा, इसके अलावा आपने जो जो पहला सवाल किया था उससे, वो आपने किया था टेस्टिंग के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से। अच्छा, हम ये बात हम शुरू में ही कर चुके हैं कि जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होते हैं ये साइलेंट होते हैं, खामोशी के साथ जिगर को मुतासर करते हैं, आहिस्ता 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 करके ये जिगर के ऊपर माइक्रो डैमेजेस लेके आ रहे होते हैं, और वक्त के साथ साथ जिगर ख़राब होते जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। तो अब यहाँ पर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने शुरू में कहा था कि हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है, तो हम इस पर यकीनन बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिकमेंडेशन है कि हर पाकिस्तानी के हेपेटाइटिस के टेस्ट होने चाहिए। जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं ना, कि डायबिटीज़ में की रिकमेंडेशन ये हैं कि हर वो बंदा जो आपके पास किसी वजह से आ रहा है ब्लड टेस्ट करवाएं, तो एक दफ़ा से ब्लड शुगर की भी टेस्ट कर लेना चाहिए, इसी रैंडमली भी करा लेते हैं कि भाई ये टेस्ट करा लो। इसी तरीके से इसी तरीके से हेपेटाइटिस के बारे में भी ये है कि हर पाकिस्तानी का कम से कम एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। और फिर उसके बाद एवरी 10 ईयर्स, अगर जिनको नहीं है उनको एवरी 10 ईयर्स, जिसको हेपेटाइटिस बी नहीं है उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव है अब तो है इसको। अच्छा, ये वैक्सीनेशन के हमारे बच्चों को भी लगती है? जी, अब तो इसका EPI प्रोग्राम में शामिल कर लिया है, और ये पैदाइश के फौरन बाद बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा दी जाती है हेपेटाइटिस बी की। हम बड़ों की बात करें, अब बड़े भी जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है वो किसी भी ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इस वैक्सीनेशन के 3 डोजेज़ होते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर पहला आज लगाया, दूसरा 1 महीने बाद, और तीसरी डोज 6 महीने के बाद। अच्छा, ये बहुत इफेक्टिव है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, ये 97% इफेक्टिव है। तो अगर कोई बंदा वैक्सीनेशन अपने आप करवा लेता है तो 97% चांसेस हैं कि वो एक्सपोज होने के बावजूद, यानी अगर उसको किसी की निडल भी लग जाए तो उसको 97% चांसेस हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी नहीं कैच करेगा वो। अच्छा, अभी तक हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, और उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस सी को ख़त्म करने की दवाइयाँ अब बहुत अच्छी मार्केट में आ चुकी हैं, वो अवेलेबल हैं, और उन दवाइयों की एफिकेसी 98% है। यानी कि अब आज के दौर में अगर खुदा ना खास्ता किसी को हेपेटाइटिस सी हो जाता है, और जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं जो कि तकरीबन 4-5 साल से अब अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज किया हुआ है, दुनिया के मुकाबले बहुत कम रेट पर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और वो दवाइयाँ 98% लोगों में हेपेटाइटिस सी को ख़त्म करने के काबिल हैं। और जी, अच्छा डॉक्टर साहब, बी और सी में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए मैं इस पर भी थोड़ा सा, कि दोनों में इन दोनों बी और सी में क्या फ़र्क है? अच्छा देखिए, ये दो डिफरेंट वायरसेस हैं, ठीक है, और जो हेपेटाइटिस बी है ये एक DNA वायरस है, और हेपेटाइटिस सी जो है ये RNA वायरस है। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैंने इनको दोनों को इस वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस की कैटेगरी में दोनों को एक साथ डाल दिया था कि इनका ट्रांसमिशन एक ही तरीके से है, ये दोनों खून में शामिल होते हैं और एक ही तरीके से फैलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से लिवर को भी ये एक ही तरीके से जो है नुकसान देते हैं, आहिस्ता 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 स्लो एंड स्टडी डैमेज देते रहते हैं, दोनों ही साइलेंट होते हैं अक्सर। बस इनमें जो फर्क ये है कि वो ये कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी का अभी तक कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट इतना अवेलेबल है कि अगर हेपेटाइटिस बी एक्टिव है, आपको नुकसान पहुँचाने की पोजिशन में है, लिवर को डैमेज दे रहा है, तो उसको मेडिसिन के साथ इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो अगर जिसमें मौजूद भी है तो आपके लिवर को डैमेज ना करे, नुकसान ना दे।
अब उसके ऊपर भी काफी जो है वो दुनिया भर में रिसर्चेस चल रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाय नेक्स्ट 4-5 ईयर्स हेपेटाइटिस बी की भी कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इंशाल्लाह आने शुरू हो जाएंगी। लेकिन हेपेटाइटिस बी के बारे में भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की हम जो बात करते हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं हेपेटाइटिस बी होने के। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसे किसी कोई फॉरन से जैसे एक्सपोज होता है बी और सी वायरस से, तो उसको फॉरन से क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ना, इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, उनके कैनुला पास कर रहे हैं या किसी से निडल्स लगा रहे हैं या ड्रिप्स लगा रहे हैं, और वो लगाते के दौरान में वो जो निडल थी वो उनको प्रिक हो गई। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से, ये तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का तरीका है। ठीक है, अब उसमें जो अगर किसी को निडल लग गई है, ये ज़्यादा मेरा पैगाम जो हेल्थ केयर वर्कर्स के, एक आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है कि उनको जो है निडल लग जाए इस तरीके से, तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी की निडल लगी है, मिसाल के तौर पर कोई मरीज था जिसको हेपेटाइटिस बी था, उनकी निडल उनको प्रिक हो गई, तो सबसे पहले तो आइडियली तो हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेटेड होना चाहिए हेपेटाइटिस बी के साथ, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में नहीं काम करना चाहिए। अगर वो वैक्सीनेटेड है तो उसको चाहिए कि अपनी एंटीबॉडीज लेवल चेक करवाए। जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है कुछ अर्से बाद, अगर वो एंटीबॉडी लेवल अच्छा है, अच्छे से मतलब 50 से ऊपर है, तो उनको इस बात का खतरा नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस बी जो है वो लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी, इसमें आम आदमी भी शामिल है, अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी और किसी ऐसे शख्स की उसको निडल लग गई जिसको हेपेटाइटिस बी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में उसको फौरी तौर पे दो काम करने होंगे। एक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिंस आते हैं जो कि एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज आती हैं, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वो इम्यूनोग्लोबुलिंस अपने को लगाने होंगे। ठीक है, वो होते थोड़े कॉस्टली हैं, उसका एक वाइल एक एडल्ट आदमी का तकरीबन 20-30,000 का पीस का पड़ता है, लेकिन बहरहाल आपके लिवर से ज़्यादा तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवानी होगी और फिर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करना होगा, जैसे आपने बताया 1 महीना, फिर दूसरा, और फिर उससे 6 महीने। अच्छा, अब हम बात कर लें हेपेटाइटिस सी की। अच्छा, हेपेटाइटिस सी का फॉर्चुनेटली ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस बी जितना नहीं होता। अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस सी है और उससे मुतासर निडल किसी दूसरे शख्स जिसके हेपेटाइटिस सी नहीं है उसको लग जाए, तो उसमें ये खतरा तकरीबन 5-10% होते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में हेपेटाइटिस सी की तो मैंने बताया कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इम्यूनोग्लोबुलिंस भी नहीं है, तो उसको करना ही चाहिए जहाँ से निडल लगी है वहाँ से अपने ब्लड को थोड़ा डिस्कवर कर दे उसी वक्त फौरन, और उस जगह को अच्छी तरीके से किसी भी अल्कोहल स्वाब्स के साथ या स्प्रिट के साथ क्लीन कर ले। ठीक है, लेकिन फौरी तौर पर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे उसको प्रिवेंट किया जा सके। हाँ, अलबत्ता फिर उसको करना ही होगा कि अपने 12 वीक्स के बाद यानी 12 हफ्ते के बाद अपने हेपेटाइटिस सी का जो टेस्ट होता है PCR, उसको करवा के देखें क्या उसे कैश तो नहीं कर लिया। अगर हेपेटाइटिस सी उसने कैश कर लिया तो फिर उसको हेपेटाइटिस सी को मेडिसिन के जरिए से ख़त्म करना होगा। अच्छा, जो मेडिसिन होती है उसका ट्रीटमेंट कितने अर्से तक होता है? जो हेपेटाइटिस सी की जो न्यू मेडिकेशन आ गई हैं जिनको डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स कहते हैं, इनका ड्यूरेशन तकरीबन 12 वीक्स है, 12 हफ्ते। एक टेबलेट होती है जो कि रोज़ खानी होती है, सुबह निहार में नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले लें तो ज़्यादा फ़ायदा है, और ये 12 हफ्ते के लिए लेनी होती है। अच्छा, अब जो नई दवाइयाँ हैं इनमें मैंने जैसे बात की थी, इनमें 98% लोगों का हेपेटाइटिस सी ख़त्म हो जाता है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम आम आवाम को बिना टेस्ट करते रहें, क्योंकि जैसे जो 1.5 करोड़ आबादी का हमारे हेपेटाइटिस है, हमें पता लगना चाहिए कि किसको हेपेटाइटिस है, किसके अंदर पोटेंशियल है हेपेटाइटिस फैलाने का और खुद अपने लेवल को भी डैमेज करने का। हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हमें इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर हमारा बहुत सारा ऐसा तबका जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता ये स्मार्ट टेस्ट, उनको पता भी नहीं होता कि उनको ये करना है, तो अगर हम एज अ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की बात करें, तो आप लोग इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कोई ऐसी चीज़ करें कि लोग आके वहाँ से करवा सकें, तो इस पर बताइए कुछ। अच्छा देखिए, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में हम लोग हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, उसमें 28 जुलाई को, ठीक है, और उसमें जो है लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, तो हमारे जो ऑडिटोरियम्स हैं वहाँ पे आम आवाम को हम लोग इन्वाइट करते हैं जितने भी लोग आ सकें, और अक्सर हमने देखा हमारे ऑडिटोरियम तकरीबन फुली हो जाता है। पिछले साल जो कोविड था तो वो हमने जो है वो हमने SOPs को फॉलो करते हुए रखा था, और इस साल भी थोड़े हम SOPs फॉलो करेंगे, लेकिन इस साल भी हमारी कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा लोगों को हम इंटरटेन कर सकें हम इंटरटेन करें। अच्छा, उसमें पहले हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ
हेपेटाइटिस बी की वजूहत कैसे फैलता है, क्या कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों की फ्री स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें हम फ्री हेपेटाइटिस बी और फ्री हेपेटाइटिस सी के टेस्ट करते हैं, हम लोगों के अल्ट्रासाउंड करते हैं और इनके फाइब्रोस्कैंस करते हैं। ये फाइब्रोस्कैन जो है एक बड़ी लेटेस्ट किस्म की एक चीज़ है जो कि इस वक्त कराची में दो चार ही सेटअप्स में अवेलेबल है। इसके जरिए क्या पता कर सकते हैं? अच्छा, फाइब्रोस्कैन जो है उसमें वो हमें ये बताता है कि लिवर के ऊपर कितना फाइब्रोसिस है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना, जब लिवर के ऊपर माइक्रो लेवल के ऊपर डैमेजेस आते हैं तो लिवर में फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फाइबर्स वो हिस्से होते हैं लिवर के जो कि डैमेज हो चुके होते हैं। तो जो फाइब्रोस्कैन होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस लिवर के ऊपर कितना डैमेज आ गया। तो ये काम हम हर साल कर रहे थे, और हर साल हम सैकड़ों की तादाद में लोगों की स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके अलावा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मतलब वो मरीज जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, फिर उसके बाद हम उनको जो है वो ओपीडीज में रेफर कर देते हैं, और जिनको नहीं है उनको फिर हम वैक्सीनेशन के लिए इनरोल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है उनको आगे तो लगने के खतरात हैं, हेपेटाइटिस बी ना लग जाए तो उनको फिर हम इनरोल करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो खुदा ना खासा खास है किसी को है हेपेटाइटिस बी और सी तो उनको फिर जो है हम ओपीडी में फॉलो करते हैं ताकि उनको हम ट्रीटमेंट दे सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन बात कर रहे हैं? रहीम लाहौरी। जी रहीम साहब कैसे हैं आप? ये डॉक्टर देखे, ये मैडम आप प्रोग्राम कर रही हैं, इसमें डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के नाम दिया गया और कहा गया कि ठीक हम फैसिलिटी फराहम करते हैं। मेरा अपना मेडिकल से ताल्लुक है और केपीटी हॉस्पिटल से मेरा ताल्लुक है, उसके बराबर केपीटी की जमीन पे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कायम है। हम जब भी वहाँ किसी फैसिलिटी के लिए गए, जबकि टर्म्स ऑफ कंडीशन ये थी कि ये केपीटी के मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पॉजिटिविटी की जाती है। डिस्कनेक्ट हो गई कॉल। जी तो यकीनन नहीं बिल्कुल, खैर शिकायत और फ़ायदे सब कुछ होता ही है, लेकिन यकीनन हर मेडिकल जो भी इंस्टीट्यूट है वो लोगों के, मरीजों के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा मैं बस यही बात करना चाह रहा था कि हम लोग जो इसके अलावा जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हेपेटाइटिस के पूरे प्रोफाइल है, हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड पूरे प्रोफाइल है, फाइब्रोस्कैन की अवेलेबिलिटी है ज़ियाउद्दीन में, शहर के रिनोन्ड कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अच्छा हमारे पास जो फाइब्रोस्कैन है वो दोनों किस्म के मौजूद हैं, हमारे पास दो किस्म के फाइब्रोस्कैन अब दुनिया में होते हैं, एक शेयर वेव इलास्टोग्राफी कहलाता है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, और एक वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी होती है, तो हम दोनों ही चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो इस साल भी हमारा प्लान है कि हम 28 जुलाई को जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। जिस जितने भी लेवल तक जितने भी एसओपीज़ को हमें मेंटेन करना होगा वो हमें मेंटेन करनी होंगी, और जितने लोगों को एंटरटेन कर सके इंशाल्लाह उनको एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक हमारे पास छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, सामीन लास्ट 15 मिनट्स हमारे पास हैं, अगर आप भी कोई हमें सवाल भेजना चाहें या कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ ही रहेगा, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बेटा बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द दे देना अब्बा, ऐसा हिस्सा नहीं बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? बोला बकरा एनसीबी बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करेंगे फौरन। एनसीबी बर्क रफ्तार फौरन से फौरन। एनसीबी बैंक फॉर लाइफ। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामईन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर खुर्रम बकाई मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब आज हम हेपेटाइटिस के बारे में आपने काफ़ी डिटेल से हमें बताया। अच्छा डॉक्टर साहब मैं अगर COVID-19 की भी बात करूं तो उस पर भी मैं बात करना चाहती हूं कि जो लोग बहुत क्रियोनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हैं वो किस तरह अपने आप को COVID-19 में क्या क्या उनको रिस्क हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। इससे पहले एक कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कुर्बान बात कर रहा हूँ नौशहरा फ्लोर से। जी कुर्बान, कुछ सवाल करना चाहूँगी।
हाँ, सवाल ये है कि मेरे वाल्द साहब को हुआ था पहले ब्लड कैंसर, ठीक है, तो हमने दिखाया था SIUT में, ठीक है, तो उन्होंने उसकी कीमोथेरेपी की, बाद में जो ना हेपेटाइटिस बी तो उसको पुरानी थी, हमें पता नहीं था, ठीक है, कीमोथेरेपी करने के बाद उसके जिगर का नुकसान हो गया, पेट फूलने लग गया, ठीक है, तो उन्होंने एंडोस्कोपी की, बाद में उन्होंने बोला कि जिगर इसका ज्यादा ही डिसाइड हो गया, अभी चेंज नहीं कर सकते हम, और कीमोथेरेपी भी नहीं कर सकते, ओके, तो उन्होंने दवाई दी हमें, एक गोली दी, एकावीर दी और दूसरी अलडक्टान दी पानी सुखाने वाली, और तीसरी बेग दी, तो अभी मैं वाल्द साहब से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, इससे अच्छी कोई फैसिलिटी है आपके पास, मैं अपने वाल्द साहब को लेके आऊँ, या यही दवा सही है चलनी चाहिए? ठीक है, आपको और सवाल तो नहीं करना चाहिए? अच्छा, बस मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी था और उनको कीमोथेरेपी हुई, और उनको कैंसर कहाँ पे था? ब्लड कैंसर था जिसके उनको कीमोथेरेपी, हाँ वो ब्लड आया था पेशाब में। अच्छा, आपके आपके वाल्द साहब की उम्र कितनी हो गई है? 55 साल है, ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं, आप सुनिए। अच्छा कुर्बान साहब, आप पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का। अच्छा देखिए कुर्बान साहब, हेपेटाइटिस बी के बारे में जैसे मैंने भी बात की थी ना कि हेपेटाइटिस बी एकदम तो जिस्म को नहीं लगता, मतलब एकदम तो जिगर को खराब नहीं करता, अगर लग गया है तो ये तकरीबन 15-20 साल लगाते हैं लिवर को मुकम्मल खराब करने में। उनका यही कहना था कि उसके बीच में ही पता चला कि उनको पता नहीं था। अब हुआ ही होगा कि एक लिवर जिस्म के ऊपर एक जो है वो कैंसर ऑलरेडी अब आ गया, उसके साथ साथ और कीमोथेरेपी हुई, और साथ में क्योंकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस था यानी पुराना हेपेटाइटिस था, तो जो है लिवर के ऊपर और ज़्यादा मुतासर हो गया। अच्छा देखिए, फिलहाल तो उन्होंने जो आपको दवा दी ना वो तो है बिल्कुल सही दी है कि उन्होंने एंटाकवर दवा इस वक्त जो है वो लेटेस्ट दवाइयों में से हेपेटाइटिस बी की, और पानी सुखाने की दवाइयाँ में एल्टेक्टोन है, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हैं वो मरीजों को देख के और जाँच के ही किए जा सकते हैं। अच्छा दूसरी जानब, आपके वालिद साहब की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, और पेट में पानी आने का मतलब ये है कि जिगर जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है। एक ऑप्शन अभी भी उनके पास मौजूद है लिवर ट्रांसप्लांटेशन का। लिवर ट्रांसप्लांटेशन इस वक्त पाकिस्तान में दो जगह पे तो काफ़ी हो चुकी है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जो कि हज़ारों से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और सिंध के अंदर एक शहर है गंबट जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, और गंबट में भी 450 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस उनके भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब दूसरी जानब, कराची में हम लोग जियाउद्दीन हॉस्पिटल में कुछ अरसे में इंशाल्लाह हम लोग भी हेपेटाइट अपने जो है लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। हमारा प्लान ये है कि इनिशियल फेजेस में हम कुछ लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, तो अगर आपको मौका मिले तो आप मुझसे आके जियाउद्दीन हॉस्पिटल में मिल सकते हैं और हम इनको इस हिसाब से लाइनअप कर सकते हैं। बाकी लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट से पहले इनको ये भी देखा जाएगा कि ये लिवर ट्रांसप्लांट के कितने काबिल हैं, क्या इनके लिवर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, या उससे पहले कुछ और भी ऐसी मेडिकेशन इनको दी जा सकती है कि इनकी तबीयत में कुछ मजीद बेहतरी आ सके। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले इस कॉल से पहले मैंने सवाल किया था COVID-19 के हवाले से कि वो लोग जो क्रियोनिक लिवर यानी कि जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो होते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ करवा देते हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का मतलब ये है कि जिगर पे पुरानी बीमारी चल रही है, जिगर को बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया और कमज़ोर कर दिया। अच्छा अब COVID-19 के बारे में हमें जैसे जैसे पता लगता जा रहा है, क्योंकि अभी मेडिकल फील्ड में भी एक नई चीज़ थी, पिछले साल से हम लोग को इसको पता होने शुरू हुआ और इसके ऊपर रिसर्च होने शुरू हुई, और अभी हमें बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, लेकिन हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन रिसर्चेज जो इस वक्त इस एक साल के अंदर दुनिया भर में हुई उसमें हमें पता लगा कि COVID-19 फेफड़ों को तो मुतासर करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जिस्म के बाकी आज़ाओं को भी नहीं छोड़ता। ये गुर्दों को भी मुतासर करता है, ये जिगर को भी मुतासर करता है, कुछ लोगों को ब्रेन को भी मुतासर करता है, ब्लड के अंदर तेजाबियत करवा देता है, पट्ठों में दर्द पट्ठों को मुतासर, इसी तरीके से जोड़ों और हड्डियों को भी मुतासर करता है। तो वो लोग जिनका पहली जिगर कमज़ोर हो उनमें हमने देखा है कि ये ज़्यादा जिगर को हिट करता है, मतलब जिगर के ऊपर जो इंजरी है इसकी वजह से कभी कभी एकदम तेज़ी से बढ़ जाती है। तो वो लोग जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, मतलब लिवर पे पुरानी बीमारी चल रही है, जिगर इनका पहले से ही कमज़ोर हुआ हुआ है, उनको तो स्पेशल ख्याल रखना चाहिए COVID-19 का, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जो तीन चीज़ें हैं जिनका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल लाजमी, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें, और कहीं भी किसी से मिले तो 3-6 फीट का फासला रखें। तो ये एहतियात उनके लिए तो बहुत शदीद है। अच्छा अब क्योंकि अब
गुजर कुछ अर्से से वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन है, तो वो लोग जो जिनको CLD है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, वो वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवा सकते हैं। उनको कतन देर नहीं करनी चाहिए वैक्सीनेशन लगवाने में, जितना जल्दी वैक्सीनेशन लगवा सके लगवा दें। अभी तक कोई एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है कि जो वैक्सीनेशन है कितनी इफेक्टिव है, लेकिन जितनी भी रिसर्चेज हैं वो कहते हैं तकरीबन 80% इफेक्टिविटी है इन वैक्सीनेशन की। तो आपको 80% आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो इस वक्त जो चीज़ अवेलेबल वो तो फॉलन करनी चाहिए। लेकिन मेरे अपने ख्याल में इस वैक्सीनेशन के साथ साथ जो दूसरी वैक्सीनेशन है वो यही कि फासला रखें, मास्क इस्तेमाल करें और हाथों को साफ करते रहें। अच्छा, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट ख्वातीन के बारे में, तो वो अपने आप को किस तरह रोक सकती हैं कि वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में ना मुब्तला हों, और उसको किस तरह हम कर सकते हैं? अच्छा देखिए, जो प्रेग्नेंट ख्वातीन हैं अगर उनको हेपेटाइटिस है, और उनमें जो सबसे ज़्यादा मसला आता है उनमें कि उनसे बेबी को ट्रांसफ़र हो सकता है, उनके बेबी को। अच्छा, अब हेपेटाइटिस सी की तो हमने बात कर ली कि हेपेटाइटिस सी की तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट ले सकती हैं अगर उनका वायरल लोड ज़्यादा है प्रेगनेंसी के दौरान भी। हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसफ़र रेट है मदर से बेबी के दरमियान तकरीबन 4-5% है, जो 4-5% खतरात मौजूद है कि हेपेटाइटिस बी जो है माँ से बच्चे को लग जाए। अच्छा, उसके लिए दो काम करने चाहिए। एक काम तो वैक्सीनेशन के साथ एंटीबॉडीज पोटेंशिएट हो जाती हैं, और फिर उस बच्चे की जो है वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल को फॉलो कर लिया जाए। अच्छा, दूसरी जानब माओं के अंदर वायरल लोड बहुत हाई हो और वो प्रेग्नेंट हो, तो उनमें एक दवा आती है टेनोफोविर के नाम से, वो टेनोफोविर इस्तेमाल की जाती है। तो ये टेनोफोविर की दवा आखिर के 3 महीने में इस्तेमाल की जाती है, और इस दवा के भी इस्तेमाल से बच्चे में ट्रांसफर होने के वायरस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा सर, एक हमारे पास फेसबुक मैसेज है, नूर गुलजार है, वो कहती है कि फैटी लिवर पे भी अगर कुछ बता दें तो अच्छा होगा। अच्छा चले, फैटी लिवर के बारे में देखें, ये इस वक्त पूरी दुनिया का राइजिंग ट्रेंड है, बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त पूरी दुनिया में, और लिवर सिरोसिस और हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी लिवर के जो कैंसर्स हैं उसका अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो फैटी लिवर की तरफ आ रहा है। यानी वो लोग जिनको फैटी लिवर है वो भी क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार हो जाते हैं, उनमें भी लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर लिवर डैमेज हो जाता है। अच्छा, अब सवाल ये कि क्या वजूहत है, क्या ये बात करना चाहता हूँ, सवाल ये कि फैटी लिवर किन लोगों को हो जाता है? देखिए, फैटी लिवर ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो ओवरवेट होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है, ठीक है, उनकी हाइट के हिसाब से। अच्छा, वज़न के लिए और उनकी हाइट के लिए हम जो चीज़ चेक करते हैं BMI करते हैं, बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स। आजकल सब लोगों को पता है कि बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स कैसे चेक किया जाता है, तो नॉर्मल बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो कि आपको बताता है कि आपके हाइट के हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए, वो 18-23 है। अगर आपका BMI 18-23 है तो इसका मतलब आप जो है ओवरवेट नहीं है, लेकिन अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, ठीक है। तो वो लोग जो ओवरवेट हैं किसी भी वजह से, उनके अंदर ये फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके फिर वजूहत के ओवरवेट क्यों जाते हैं, वो आपको पता है कि आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा बैठने के हमारे काम हो गए हैं, ट्रैवलिंग गाड़ियों में हो गई है, जंक फूड्स का इस्तेमाल, तो पिज़्ज़ा बर्गर ब्रोस में किसी एक पार्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया। होम डिलीवरी सर्विसेज का जब से आगाज़ हुए तो लोगों को और भी मज़े आ गए हैं कि घर में बैठ के जो है वो ऑर्डर कर रहे थे। बल्कि कई दफ़ा मेरे पेरेंट्स से शिकायत की है, डॉक्टर साहब ये जो बच्चा है ना हमारा, ये रातों में जागते हैं 3-3 बजे तक, और 3 बजे बैठ के जो है वो पिज़्ज़ा खा रहा होता है ऑर्डर करवा के। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ना, हमारे जो हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी वजूहत है फैटी लिवर डेवलप होने की। मैं नूरुल कमर जुम्मा गोर से बात कर रहा हूँ, कोरोंगी से। जी जी, प्लीज बोलिए, कोई सवाल करना चाहेंगे। मेरे को एक महीना पहले जो ना पाँव दुख रहा था, जिसम दर्द हो रहा था, फिर मैंने एक डॉक्टर के वहाँ गया तो मेरे को खून टेस्ट करवाया, मेरे को ये शिकायत थी कि हेपेटाइटिस तो नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने डॉक्टर ने जो ना खून टेस्ट करवा के चेक किया तो बोला कि आपके पास हेपेटाइटिस नहीं है, फिर बोला कि कैल्शियम की कमी है, फिर उन्होंने मेरे को जो ना वो इंजेक्शन लगवाया, 5 इंजेक्शन लगवाया, कोरस किया, उसके बावजूद भी मेरा पाँव दर्द
रुकना खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर बताते हैं। अच्छा देखिए ये जो सवाल है ना आज के हमारे कॉन्टेक्स्ट से आउट है जी, ठीक है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, यकीनन गाइडेंस आपकी। लेकिन अगर पांव में दर्द है ना तो इसके बहुत सारी वजूहत हो सकती है, कैल्शियम की कमी एक चीज हो सकती है, विटामिन डी की कमी एक चीज हो सकती है, मेरे ख्याल में कि इनको जो इंजेक्शन लगवाए गए शायद विटामिन डी के लगवाए गए। अच्छा इसके अलावा फिर और दूसरे कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, मुमकिन है कोई चोट लग गई हो कोई, या कोई जोड़ों की बीमारी इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अब हमारे पास बिल्कुल 2-3 मिनट रहते हैं। मैं चाहूँगी कि हम इस हेपेटाइटिस डे पे आप एज अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट क्या समराइज करेंगे, किस तरह हम इस हेपेटाइटिस से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस पे चंद मिनट। अच्छा शुक्रिया, ये बस अब हम इसको कंक्लूड करते हैं जी। अच्छा देखिए सबसे पहले हमने बात की थी एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस से हम बच सकते हैं अपनी सैनिटेशन इंप्रूव करके, हाइजीन इंप्रूव करके, और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट लेवल पे भी बड़ा काम हो रहा है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे दही इलाके वहाँ तक प्रोवाइड किया जाए लोगों। अच्छा फिर दूसरी जो चीज़ आ रही है वो आ रही है टेस्टिंग, जिन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उनकी टेस्टिंग की जाए और उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए। अच्छा प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस है जिसमें जो है जो कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो जो है कंपेन स्टार्ट की है उन्होंने, अवेयरनेस कंपेन, और इसके अलावा जो मेडिसिन हैं और जो वैक्सीनेशन हैं उनको सब्सिडाइज किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाएँ और एक प्रॉपर टेस्टिंग, एक रजिस्ट्री डाटा मेंटेन करें। जैसे हमने कोविड का हमने एक वैक्सीनेशन डाटा हमने मेंटेन किया हुआ है, तो बहुत ज़रूरत इस बात की होगी कि एक रजिस्ट्री हो लोगों की, वैक्सीनेशन रजिस्ट्री, और लोग रजिस्टर्ड हों नादरा के साथ कि इन इनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है और जिनके नहीं हुई उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वैक्सीनेट किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आई थिंक ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस पे हम शुरू से ही इस चीज़ों का ख्याल रखें तो हम बिल्कुल इस बीमारी से बच सकते हैं, और साफ पानी पीना यकीनन हर सबका मेन हक है, और मैं यकीन उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हम इस पे काम करेंगे, और इस वक्त अभी बड़ी ईद भी आने वाली है और यकीनन उस पे भी बारिश बरसात का मौसम है, तो यकीनन हमें मज़ीद सफाई का ख्याल रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, कैसे लगा आपको शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, देखिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम से बहुत बहुत अहम है, मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमारी आवाम के लिए चाहिए, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को पता हो कि मसाइल हैं क्या, लेकिन जब मसाइल पता लगते हैं तो उनके हल भी निकल आते हैं। दूसरे के लोगों को पता हो कि उनको टेस्टिंग करवानी है तो हम हेपेटाइटिस से निजात पा सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, सामीन इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खबरों का वक्फा है, अल्लाह हाफिज़।